पढ़ा होगा सबका, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, पैडागोगी भी एकदम बहुत अच्छा था। मैथ रीजनिंग कम था, बिस्ट था, मैथ तो बहुत कम था, रीजनिंग था चार पाँच। व्याकरण से था और व्याकरण में अलंकार से था और हिंदी दिवस है और हिंदी का पेपर भी है। शुभकामनाएं सर। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो है एग्जाम हुआ है हिंदी का पेपर टू का, और अभ्यर्थी जो है एग्जाम देकर के बाहर आना शुरू। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है और हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी का सवाल कैसा है। इसे फट के हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका अभिलाषा। कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था? हिंदी। हिंदी का कैसे पेपर है हिंदी वाले? अच्छा था, सिलेबस के हिसाब से था। सिलेबस के हिसाब से। ऑलरेडी आप कहीं पढ़ा रहे हो? हाँ। किसी प्राइवेट स्कूल में? नहीं, सरकारी। सरकारी स्कूल में। अच्छा, कौन से कक्षा तक? 19th। That's great, बहुत अच्छा लगा। कैन यू से टेल मी क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, किस किस टॉपिक से सवाल आया था हिंदी में? व्याकरण से था और व्याकरण में अलंकार से था और बाकी कवि वो लेखक इन सब का और ये पत्रिका से संबंधित था, पुरस्कार से संबंधित भी था, क्वेश्चन अच्छा था। और पैडागॉजी वगैरह का? वो भी ठीक था, वो भी ठीक था। हाँ, 30 नंबर उससे भी था। जो आप लोग ऑलरेडी बीएड में पढ़े तो उसी पे बेस था या फिर कुछ चेंजेस? उसी पे। और थोड़ा सा जो आप लोग के लिए थोड़ा डिफरेंट पड़ गया होगा मैथ्स रीजनिंग वगैरह, वो कैसा रहा? मैथ से बस एक ही था, रीजनिंग से भी एक ही था बस। अच्छा। एक एक ही सवाल थे टोटल। अपने बनाए 150? हाँ, 150 बनाए। 80 मार्किंग तो थी। अब देखते क्या होता है रिजल्ट। ओके, आई विश कि अच्छा रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। ओके। कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था। हिंदी था। कैसे सवाल रहे हिंदी में? बढ़िया था। बढ़िया। जी जी। आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर बिहार स्टेट का एग्जाम देने? हम शिक्षक हैं, 6 to 8 में। 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं। जी जी। कैसे सवाल रहे सर, बता सकते हैं किस टॉपिक से सवाल आए थे? सवाल नहीं उतना ईजी था, नहीं उतना हार्ड था, ठीक ठाक था, सिलेबस से था। सिलेबस। जी। और टॉपिक बता सकते हैं किस किस टॉपिक से सवाल था बेसिकली? वही था, काल के बारे में पूछा था। चारण काल किसने किया, आदिकाल का नामकरण किसने किया, यही सब था सर। ठीक। और पैडागॉजी से डीपी जो था? ये पैडागॉजी स्कूल भी था। उसमें क्या सवाल रहे? उसमें भी ठीक सब ठीक ठाक है सवाल। ठीक ठाक था। जी। प्राथमिक लेवल का या फिर थोड़ा सा ऊपर? थोड़ा ऊपर था सर। थोड़ा सा ऊपर। जी जी। और जो मैथ्स रीजनिंग करा था जनरल वाला? मैथ रीजनिंग कम था, बिस्ट था, मैथ तो बहुत कम था, रीजनिंग था चार पाँच। जी जी। तो बन पाए या फिर थोड़ा नहीं बन, नहीं बन पा रहा? रीजनिंग बनने वाला था। रीजनिंग बनने। जी, रीजनिंग आसान था। आप टोटल कितने सवाल किए? टोटल करना था 150 करना था, माइनस मार्किंग नहीं था, टोटल किए। और एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी भी ठीक ही होगा। ठीक है। जी, हम आशा करते हैं ऐसे रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक। ऑल द बेस्ट। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितने आपने सारे बना लिए? सारे बना लिए। कुछ बता सकते हैं सवाल क्या पूछे गए थे आज के परीक्षा? सवाल बहुत अच्छे थे, जैसे कि ये मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग था। सरदार पूर्ण सिंह का पूछा था, पद्मावती से पूछा था, मतलब जो सिलेबस था ना एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग था। जो पढ़ने वाला होगा सबका बहुत अच्छा एग्जाम गया है। रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, पैडागोगी भी एकदम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, आप ऑलरेडी कहीं शिक्षक हैं? हाँ, प्राइवेट शिक्षक है। प्राइवेट शिक्षक है। अभी पीएससी वाला भी एग्जाम दिए थे आप क्या? वो भी दिए थे। वो भी बहुत अच्छा गया है मेरा। बट बीएड वालों को थोड़ा सा प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। मेरा 9-10 था। अच्छा, 9-10 था। हाँ, तब तो आप सेफ जोन में हो। मेरा हाँ 70+ है उसमें। मैथ्स का परीक्षा कैसा लगा आपको? आज सवाल कैसा लगा? मैथ्स नहीं था इसमें। 20 सवाल जो थे ना जनरल वाले, जिसमें कुछ रीजनिंग के सवाल थे। रीजनिंग थे, मैथ्स था ही नहीं। रीजनिंग था, रीजनिंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये पेपर टू था? हाँ, पेपर टू था। आज पेपर वन हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। हम आशा करते हैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? क्या नाम हो आपका? अंजलि कुमारी। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा रहा। जी। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? अच्छा, नॉर्मल था, मॉडरेट था। जी, मॉडरेट टाइप का। जी, सिलेबस के आधार पे ही दिया गया था। आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं? जी। कहाँ? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल। जी। अच्छा, हिंदी के क्या क्या सवाल पूछे कुछ बता सकते हैं आप? व्याकरण से था, अलंकार से था और सिलेबस साहित्य वगैरह से, नाटक, निबंध, काव्य वगैरह से था। अच्छा। और पैडागॉजी से, डीपी से?
जी CDP से था, 30 क्वेश्चन था और अच्छा था। जी एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था या फिर थोड़ा का समझ के बनाने के लिए था? था उसमें से 10-15 क्वेश्चन समझ से समझ था जी। और रीजनिंग वगैरह? जी जी था, 5 रीजनिंग था। सर एग्जाम सिलेबस के अनुकूल था और एग्जाम अच्छा रहा। आज हिंदी दिवस भी है? जी जी आज हिंदी दिवस है और हिंदी का पेपर भी है। शुभकामनाएं सर सभी हिंदी भाषा भाषियों को, धन्यवाद। हिंदी दिवस में हिंदी की परीक्षा हुई जी, कैसी गई परीक्षा? अच्छा। हिंदी दिवस के अवसर पे कुछ हिंदी का सवाल जो आया है बताइए, क्या क्या पूछा गया है? गोदान से है, जाकर महिला अचल से है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, मतलब जिसने भी अगर पढ़ा है सिलेबस, ठीक है, जो भी चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, PG हो, अगर पढ़ा है तो उसके लिए ठीक है। अच्छा, पेपर वन आप हिंदी वाला दिए थे कि नहीं? पेपर वन नहीं, पेपर नहीं दिए थे आप, केवल पेपर टू। मतलब आप ऑलरेडी कहीं शिक्षक हैं? जी हाँ, शिक्षक हैं। अच्छा, पेपर वन तो आप पहले ही पास कर गए होंगे, कुछ डिफरेंस रहता है या फिर वही पेपर रहता है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस, थोड़ा अंतर रहता है। क्या लेवल से? अपने लेवल क्या अंतर बना देता है बता सकते हैं आप? लेवल में मतलब जैसे कि उसका अपना लेवल है, इसका अपना लेवल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करना ये इसकी प्रवृत्ति है, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा सा चाइल्ड एजुकेशन घुमा फिरा के ट्विस्ट करना थोड़ा सा, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप लोग के लिए चाइल्ड एजुकेशन का सवाल कैसा रहा? ठीक है, बढ़िया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जस्ट फैक्ट मतलब जो एक तथ्य पूछा जा रहा था या फिर समझ के बनाने वाला था? समझ के, तथ्य में नहीं होता उसमें, बहुत कम एक दो क्वेश्चन थे तथ्य से जो कि एग्जैक्टली थे तथ्य से, और बाकी सब जो है तार्किक मैथ वगैरह गणित का जो सवाल था वो कैसा रहा? वो भी ठीक था, नॉर्मल था मतलब जनरल स्टूडेंट के लिए, हल्का भी अगर रीजनिंग प्रैक्टिस में होगा तो बना लेगा। आप कितने सवाल किए टोटल किए? ठीक है, उसमें से अब जो कुछ कन्फ्यूजिंग था समय कम वजह से, समय क्योंकि बहुत कम मिला, प्रिपरेशन का समय नहीं मिला क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता नहीं था कि हम लोग को एग्ज़ाम भी देनी है। ठीक है, तो इस वजह से प्रिपरेशन थोड़ा कम वजह से थोड़ा कंफ्यूज हुए भले, लेकिन भी ठीक था, क्वेश्चन सही था। आशा करते हैं आपके सफल रिजल्ट के लिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, पहली बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू आपको भी। आज हिंदी का परीक्षा हुआ, कैसा रहा हिंदी का परीक्षा? बहुत अच्छा रहा, जितना सिलेबस में था उसी सिलेबस के आधार पर पूछा गया। सिलेबस से कुछ बाहर नहीं? नहीं, बाहर नहीं, कुछ भी नहीं। आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ, ऑलरेडी टीचर है, सरकारी स्कूल में। सर पेपर वन तो पहले ही आप क्वालिफाई कर गए? हाँ, पेपर वन पहले ही क्वालिफाई। पेपर वन और पेपर टू में कुछ डिफरेंस रहता है या फिर वही रहता है? जो सिलेबस दिया गया है उसी आधार पर पूछा गया है, तो पेपर वन का जैसा सिलेबस था उसके आधार पे पूछा, पेपर टू का जैसा सिलेबस था उस आधार पे पूछा है। ज़्यादा सवाल किससे होता है, ग्रामर्स व्याकरण से होता है या फिर जो गद्यांश वगैरह रहता है उससे होते हैं? इसमें देखिए साहित्य से, उसका जो छायावाद कवि थे, व्याकरण का भी था लेकिन बहुत कम था क्योंकि सिलेबस में ही कम दिया गया था। PSC वाला एग्ज़ाम दिए थे आप? हाँ दिए थे। दिए थे आप, कैसा गया था वो पेपर? वो भी ठीक ठाक है, उम्मीद कर सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं आपके लिए शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। एंड दिस इज द अपडेट ऑफ हिंदी पेपर। इस तरह का अपडेट्स, रिव्यू एंड एक्नॉलेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, देख रहे पटना लाइट, एंड मेक श्योर इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।